लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी की मनाई गई 258वीं जयंती। पाल भगेल गाडरी धनगढ़ समाज द्वारा लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी की 298वीं जयंती के अवसर पर गुना में न्यू टेकरी रोड अहिल्याबाई चौराहा पर गुना के समस्त समाज बंधु एकत्र हुए और लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पण एवं दीप प्रज्वलन जिला अध्यक्ष शिवचरण पाल इंजीनियर रतिराम पाल द्वारा किया गया। इसके पश्चात समाज के सभी लोगों द्वारा मां के चरणों में पुष्प अर्पण कर जयंती मनाई एवं समाज के जिला अध्यक्ष शिवचरण पाल द्वारा समाज के सभी लोगों से एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए आग्रह किया गया। वहीं रतिराम पाल द्वारा समाज में युवाओं को एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए आह्वान किया गया। वहीं योगाचार्य महेश पाल ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी के इतिहास के बारे में बताते हुए गौरवान्वित महसूस करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर समस्त समाज जन उपस्थित रहे। जैसा कि आज लोकमाता अहिल्याबाई चौराहे होलकर चौराहे पर हम सभी उपस्थित हुए हैं, पाल बघेल समाज के समस्त हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, युवाध्यक्ष महोदय, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे इंजीनियर साहब कन्हैया जी, पाल बघेल जी, गुरुकुल स्कूल से हमारे राकेश जी, हमारे रामबाबू पाल जी, हम सब लोगों का जैसे कि अभी कुछ समय पहले जनवरी में लोकार्पण हुआ था लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी की मूर्ति का, और आज 31वीं 298वीं जयंती के इस अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए, उनके चरणों पर हमने पुष्पमाला अर्पण की। और लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी ने पूरे मध्य प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान में जो उन्होंने कार्य किए, उनके कार्यों की इतिहास में जिस प्रकार से उल्लेखित किया गया है, हम सभी उनके चरणों में सर नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करते हैं। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारा समाज भी उनके गौरवान्वित जो उनका इतिहास है उसके कदम से कदम ताल मिलाते हुए समाज के विकास के लिए हम भी इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगाचार्य महेश पाल, हमारे साथ में हमारे गुना की समस्त टीम उपस्थित है।